किया में कबूतर की कितनी अहमियत होती है लव स्टोरी में, ये तो एस्टैब्लिश हो ही गया था। वो पूरा गाना कबूतर के पीछे बन गया जी, कबूतर जा जा जा। वेल, कबूतर कुछ इस तरह फिर से प्रेम कहानी में अपना रोल प्ले कर रहा है सीरियल गुड्डन में। जी हाँ, चलिए इस कबूतर के बहाने ही सही, गुड्डन और एजे के बीच में कुछ प्यारे प्यारे से मोमेंट्स तो आ ही रहे हैं। गुड्डन से कहना चाहता है कि गुड्डन रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। जी हाँ, आज गुड्डन कोशिश कर रही है कठोर को दाना खिलाने की, लेकिन कठोर है कि उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इधर गुड्डन कठोर को लेकर परेशान है कि इतने में एजे आ गए और गुड्डन से सवाल पर सवाल पूछने लग गए। गुड्डन का मूड इतना खराब है कि वो एजे के सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहती है। यहाँ तक कि जब उसे गुस्सा आया तो उसने गुस्से में एक बार फिर से एजे को अंकल कह दिया। अंकल से निपट ले, फिर तेरे साथ भी खेल लेंगे। आज देख रही हूँ तो मुझे भी हैरानी हो रही है। तो 5 दिन से ये है यहाँ पे, लेकिन आज अक्षत आए हैं सेट पे, मतलब रोज ही आते हैं, आज कुछ ज्यादा ही टाइम के लिए आए और ये इन्हीं का हो गया है। मतलब दिस इज बैड कठोर, कोई पुराने जन्म का रिश्ता है मुझे लगता है। इनके साथ इनका मैं भी पहले कबूतर हुआ करता था, ये पहला सीन है ना इनका आपके साथ। ये दोनों नहीं समझ रहे हैं कि कठोर इनसे क्या कहना चाहता है। दरअसल कठोर का मन है कि गुड्डन और एजे दोनों मिलकर उसे दाना खिलाए, क्योंकि वो प्यार का पंछी है, प्यार जताना और प्यार करवाना अच्छे से जानता है। थोड़ा मैं डिस्टर्ब कर रहा है, मैं पहले बहुत गुस्सा में, पहले हम लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, पहले हमारी लड़ाई हो रही है लाइक यूजुअल, और ये चाहता है कि हमारी लड़ाई बंद हो, तो ये हमको परेशान कर रहा है। मतलब बीच बीच में आ रहा है हमारे और हमको समझ में नहीं आ रहा, हम लड़े जा रहे हैं पर एक खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे। तो एक तो मैं एजे से परेशान, ऊपर से ये हमें परेशान कर रहा है, तो मैं बोलती हूँ कि चुप करो, चुपचाप से खाना खाओ। गुड्डन और एजे की लड़ाई तो कभी खत्म होगी नहीं, लेकिन अब लगता है कठोर के आने से थोड़ा सा मामला सुधर गया है। और पर्दे के पीछे की बात आपको बता दे कि इन दिनों कठोर अक्षत यानी कि एजे के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिताता है। पहले तो दूर भागता है, तो हम ट्राई करते हैं कि दोनों के हाथ से खा ले, और खा लेता है। मतलब बहुत ही शैतान है, इसको भी चाहिए कि दोनों साथ से ज्यादा, इतना ट्रेंड एक्टर है ये। हम देखो दाने हम इसके सामने हर बार ला रहे हैं जो ये खाते हैं, पूरी फुटेज खा रहे हैं, पर जो लाइनों में हमारा है कि देखा नहीं खा रहा, उसमें नहीं खाता है, जिसमें खाना है जिस लाइन पे भर भर के टक टक लगा हुआ है, शॉट पे शॉट दे रहे खाने के। अब गुड्डन इतना तो समझ लीजिए कि आपके और आपके अंकल पति एजे के बीच में कोई रिश्ता तो बन गया है, और देखना इस रिश्ते को आपकी ओर से ही एक प्यारा सा नाम भी मिलेगा। है मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।